रोज एंड पेटल्स कुकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बच्चों के लिए फेवरेट डिश लाई हूँ, डोरेमोन का डोरा केक। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। आपके घर में जो बच्चे हैं तो आप उनको जरूर ये बनाकर खिलाइएगा, बच्चे आपके फैन हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल रेसिपी है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 1 कप मैदा है, 1/4 हमारे पास मिल्क पाउडर है, 1/2 कप हमारे पास पीसी हुई चीनी है, इसको मिक्सी में पीस लेंगे, 3/4 हमारे पास मिल्क है, बेकिंग सोडा वनीला एसेंस लेंगे। एक बोल में हम मैदा डालेंगे, शुगर डालेंगे, मिल्क पाउडर डाल देंगे, 1/4 हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे, अब इसको हम छान लेंगे। इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें हम मिल्क को ऐड करेंगे। गाढ़ा लगे तो हम थोड़ा सा मिल्क इसमें और ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं बिकॉज ये बहुत पतला नहीं हो जाना चाहिए। थोड़ा सा मिल्क इसमें और ऐड करेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमारी ऐसी होगी। अब इसमें हम थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। इसको मिक्स करते हैं। बैटर को हमें सिर्फ एक ही जगह पे डालना है, ये अपने आप अपना शेप ले लेगा, हिलाना बिल्कुल नहीं है इसको, वरना इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। अब इसको हम ढककर 25 से 30 सेकंड के लिए रख देंगे, ये पक जाएगा नीचे से। ये देखिए इसमें ये बबल्स आ गए हैं, एक पिंस की हमारा नीचे से पक गया है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। इसको भी हम 5-10 सेकंड के लिए रख देंगे बस। देखिए नीचे से भी हमारा ये सिक गया है। ऐसे ही हम अपने सारे डोरा केक बना लेंगे। ये देखिए हमारे सारे डोरा केक बनके रेडी हैं। इनके ऊपर हम चॉकलेट सॉस लगाएंगे। ये भी मैंने घर पे बनाया हुआ है, इसकी रेसिपी मैं आपके संग शेयर करूंगी। नहीं तो आप न्यूट्रेला यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर। ये देखिए इसको ऐसे स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर हम। इसके ऊपर इसको रख देंगे, ऐसे ही इस पे लगाएंगे। देखिए इसको ऐसे काटेंगे। ये देखिए इसकी अब हम प्लेटिंग करते हैं। ये हमारे बच्चों के फेवरेट डोरेमोन के डोरा केक बनके रेडी हैं।
ये देखिए बहुत सॉफ्ट है ये देखिए बहुत स्पॉन्ज है इसमें। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा, बच्चों को बनाकर जरूर दीजिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए।